नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब सबसे पहले हमने किया था इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस था कि हम लोग कुछ भी चीज़ एंटर करनी थी तो हम उसको इनपुट डिवाइस बोलते। आउटपुट अब जो हमें आउटपुट मिलती है उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या बोलते हैं? एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स विच कन्वर्ट्स इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेज आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स एंड प्रोजेक्टर। मतलब आउटपुट डिवाइस क्या होती है? अब जब हम लोग इनपुट करते हैं तो वो भी हमारी ह्यूमन रीडेबल होती है, बट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है उसको हमारी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसका जो आंसर आता है वो भी बाइनरी में आता है। बट आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि उसे जब भी आउटपुट आने से पहले जो हमारा डाटा है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ला देता है। उसमें लिखा हुआ है कि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है विच कन्वर्ट्स इन्फॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है, तो उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ला देता है। ठीक है, हमारे एग्जांपल्स हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? अ डिवाइस विच यूजेस फॉर ऑब्जर्वेशन, चेकिंग और कीपिंग अ कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड ऑफ समथिंग। मॉनिटर इज़ यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन पिक्टोरियल फॉर्म। अब मॉनिटर हमें पता ही है क्या होता है। मॉनिटर क्या है? वो हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस चीज़ के लिए काम आता है कि वो हम यूज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। अब जिस तरह हमारे मॉनिटर में हम लोग कुछ भी काम करते हैं, मान लो कि हम लोग MS Word के थ्रू हम अपनी फाइल बना रहे हैं, तो क्या करते हैं हम फाइल पे? हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि यार हमने नाम सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर हमने सही लिखा है तो ठीक है, अगर गलत लिखा है तो हम लोग इरेज करते हैं। तो वो क्या करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मॉनिटर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कुछ भी, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं कुछ भी, ठीक है, अपना डाटे अपना जो डेटा होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, इन पिक्टोरियल व्यू। पिक्टोरियल व्यू में या जैसा भी हमने डाटा अपना सेव किया होता है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस विच मेक्स परसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स और टेक्स्ट यूजली ऑन पेपर। प्रिंटर, प्रिंटर किस चीज़ के लिए काम आता है कि जब हमने कोई भी डेटा लिखा है या कुछ भी लिखा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर पे आता है ना, वो हमारा प्रिंटर प्रिंट करके जिस चीज़ को भी हम प्रिंट करते हैं, अब प्रिंट हमारे पास आता है तो वो क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। तो प्रिंटर क्या करते हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो वो हमें एक पेपर के हमारे पेपर के ऊपर हमारा सारा डाटा लिखा आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या होता है? प्लॉटर्स आर यूज टू ड्रॉ लाइन्स ऑन पेपर यूजिंग अ पेन। इट इन द पास्ट प्लॉटर्स वर यूज इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर डिज़ाइन एज दे वर एबल टू प्रोड्यूस लाइन ड्रॉइंग्स मच फास्टर एंड ऑफ हायर क्वालिटी। मतलब प्लॉटर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं कि कुछ भी चीज़ हमने प्लॉट करें, जिस तरह अभी हम लोगों के घर के नक्शे बनते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं एक प्लॉटर की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकर। स्पीकर क्या है? स्पीकर जो है हमारी इलेक्ट्रिकल को ऑडियो में कन्वर्ट, ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट रेज ऑफ लाइट स्पेशली एज अपरेटस विद इन अ सिस्टम ऑफ लेंस फॉर प्रोजेक्टिंग स्लाइडिंग और फिल्म ऑन अ स्क्रीन। अब प्रोजेक्टर का क्या काम होता है? प्रोजेक्टर क्या करता है, हमें हमारी छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन में दिखाता है। उसमें लेंस लगे होते हैं कि क्या होता है कि अब मान लो कि हमने 50-60, अब जैसा हमारे थिएटर्स में होता है वो प्रोजेक्टर के थ्रू ही हम लोग अपनी जो मतलब मूवी देखते हैं वो थिएटर्स में हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू ही देखते हैं, क्योंकि वो जो स्क्रीन होती है वो तो छोटी होती है। अब 50-60 पर्सन्स ने कोई भी वीडियो देखनी है तो हम लोग अब छोटी स्क्रीन पर तो दिखाएंगे नहीं, मतलब हम लोग मॉनिटर पर तो दिखाएंगे नहीं। तो क्या होता है कि जो हमारे वो लेंस होते हैं वो हमारी छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर। अब 50-60 बंदों को चीज़ को ही दिखानी है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये थोड़ी ना कि सिंपल मॉनिटर पे दिखाएंगे, हम प्रोजेक्टर लगाएंगे, उसके थ्रू हम लोग अपनी स्क्रीन डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर हाउ टू वर्क। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन। अब मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, मतलब मान लो कि अब मैंने MS Word में तुम अपनी सारी क्लास का डाटा सेव करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, वो इंस्ट्रक्शन दूंगी उसे कि भाई ऐसा करना है। डाटा होता है हमारे पास और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कि हम लोगों ने ये टास्क परफॉर्म करना है। हमने कोई भी टास्क कंप्यूटर में परफॉर्म करना है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हम लोग अब कोई भी टास्क कंप्यूटर में अगर परफॉर्म करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ही हम परफॉर्म करते हैं। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम लोग अपने जो टास्क हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ अ प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट डिज़ाइन फॉर द एंड यूज़र. मतलब जो एंड यूज़र्स होते हैं कि हम लोगों के लिए जब वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें. अब मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड चलाना है. तो अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे कुछ ना कुछ तो मतलब कोई सॉफ्टवेयर लगाने मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किट मुझे डालनी पड़ेगी. अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किट डालनी पड़ेगी तो वही क्या हुआ, वो मेरा एक सॉफ्टवेयर हुआ. मतलब अब कोई भी किट हम लोग डालते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग डालते हैं, जिस तरह हमारा MS वर्ड हो गया या स्प्रेडशीट हो गया या मीडिया प्लेयर हो गया. अब जिस तरह हम लोग अपने सॉन्ग्स वगैरह जब सॉन्ग्स वगैरह अपने वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, चलाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई मीडिया प्लेयर होता है ना, तो उस मीडिया प्लेयर को वो क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर. मतलब कि हमने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कि जो हमें सॉफ्टवेयर हमें अगले सॉफ्टवेयर में लेके जाए. जैसे तरह हम लोगों की विंडोज़, अब इस तरह हमारे फ़ोन हमारे क्या बोलते हैं लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में विंडोज़ डली हुई हैं. अब विंडोज़ क्या करती है, अगर विंडोज़ हैं हमारे पास तभी हम लोग अपना नेक्स्ट, मान लो कि अब हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में काम करना है या हमने गेम्स खेलनी है. मान लो कि अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्ले स्टेशन के थ्रू हमने गेम्स खेलनी है, तो हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें विंडो चाहिए होगी ना, तभी हम लोग कुछ खेल पाएंगे. बिना विंडोज़ के हम लोग तो खेल नहीं पाएंगे. अब मान लो कि हम लोगों को विंडोज़ पहले हमें विंडोज़ चाहिए, उसके बाद ही हम गेम खेलेंगे. अब मान लो कि हमने उसमें क्या बोलते हैं हमारा जो वीडियो प्लेयर है उसमें हमने अपनी वीडियो चलानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपनी विंडो को खोलना पड़ेगा, PC को खोलना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने गाने सुन पाएंगे ना कंप्यूटर पे. तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें माइक विंडो खोलनी पड़ेगी. विंडो खोलने के बाद हम लोगों को अपने गाना चलाना पड़ेगा. ठीक है, तभी वो हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में खुलेगा. वो जो एक मतलब ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर जो जिसमें हमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, तो हम लोग उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू स्टोर, रिट्राइव, ट्रांसमिट एंड मैन्यूपलेट डाटा और इन्फॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करते हैं कि हम लोग अपना डाटा स्टोर करते हैं, रिट्रीव देखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या उसको चेंज करते हैं कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन को. ठीक है, तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ टिपिकली यूज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. IT ज़्यादातर हमें बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ होती है. अब हमारे कौन कौन से नेसेसरी टूल्स हैं, जैसे हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये हमारे IT में होते हैं. अब हार्डवेयर क्या होता है वो हमने ऑलरेडी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिस्कस किया हुआ. नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस क्या है. व्हेन इट कम्स टू द नेटवर्क द IT सर्व्स प्रोवाइड्स मेन गोल. अब नेटवर्क मान लो कि अब कोई हमारा जो हमारा डेटा है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा, अब मान लो जैसे हमारे बैंक में ट्रांजैक्शंस करते हैं हम लोग, वो क्या है, वो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको सिक्योर करने के लिए हम लोगों को IT की ज़रूरत पड़ती है. मतलब कि हम लोग सेंडिंग के टाइम और रिसीविंग के टाइम दोनों को सिक्योरिटी लगा के रखते हैं, ताकि जो हमारा थर्ड पर्सन है कोई भी, वो जो डेटा है उसको चुरा ना सके. ठीक है, ओके, थैंक यू.